मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के चलते नामांकन जमा करने की प्रक्रिया आज खत्म हो चुकी है। ऐसे में आखिरी दिन सीहोर जिले की इक्षावर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं व समर्थकों और क्षेत्रवासियों की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। देखिये रिपोर्ट। इक्षावर के आम जनमानस का चुनाव है, किसानों का, युवाओं का चुनाव है और निश्चित रूप से वो सब आशीर्वाद देने और इस रूप से आए कि उनका फॉर्म भरना है। मैं फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, ये वाला जो 2023 का जो चुनाव है इसका फॉर्म इक्षावर की जनता को समर्पित है और वही लोग फॉर्म भरने आए। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। देखिए ये स्व उत्साह है, कोई बुलाए गए लोग नहीं हैं, खुद अपनी मर्जी से आए हुए लोग हैं जिनको एक मन में उत्साह से लबरेज हैं और जो निकारापन और एक निकम्मापन और नकारापन इक्षावर के साथ हुआ है, जो भेदभाव काम के प्रति हुआ उसके खिलाफ आक्रोश है और वो आक्रोश आशीर्वाद के रूप में परिवर्तित होकर हम सबके ऊपर और कांग्रेस पार्टी के ऊपर। देखिए लोगों का बहुत प्यार है, स्नेह आशीर्वाद है और ये मेरा परिवार है। इक्षावर विधानसभा मेरे लिए विधानसभा नहीं, मेरा घर है और घर के लोगों से जैसा प्रेम मिलता वैसा मुझे हमेशा मिलता है, चाहे वो किसी दल का हो। मैं दलगत राजनीति से ऊपर राजनीति करता हूँ, चुनाव में जरूर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, बाकी 5 साल तक मैं दलगत राजनीति नहीं करता। लोगों से घर घर का रिश्ता है, सबसे प्रेम का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है। मेरे दिल में इक्षावर के सारे लोग बसते हैं और उनके दिल में मैं बसता हूँ। था कहीं ना कहीं शायद जनता की जो उम्मीदें थी उन पर पूरा नहीं उतर पाया होगा, खरा नहीं उतर पाया होगा। सरकार नहीं थी, सरकार से तमाम तरीके की बंदिशें थी, काम में रोकथाम था, भेदभाव का मेरे साथ अपनाया गया, लेकिन 18 से 23 तक जो माननीय विधायक थे उनकी सरकार थी, दिल्ली में भी सरकार, भोपाल में भी सरकार, सांसद भी उनका, मुख्यमंत्री जी भी उनके, प्रधानमंत्री जी भी उनके। अगर उसके बाद काम नहीं होंगे तो कब? मैं जब विधायक था तो मेरे पे हाथ रखने वाला या मेरा सपोर्ट करने वाला नहीं था, यहाँ तो पूरी डबल चौबल 5-6 इंजन ना जाने कितने इंजनों की सरकार थी, लेकिन इक्षावर कहीं ना कहीं पीछे रह गया। आज उसी का परिणाम है कि जनता इस तादाद में हजारों की संख्या में अपने मन से, अपनी इच्छा से और सब आशीर्वाद और प्रेम देने के लिए आए। हमने तैयारी नहीं की थी, हमने कोई बहुत बड़ा वो नहीं किया था, लेकिन मैं अभिभूत हूँ उनके आशीर्वाद पाकर, उनका प्रेम पाकर, उनका सहयोग पाकर कि किस तरीके से हम जनता के बीच में रहते हैं, लगातार उनके मुद्दे उठाते हैं, तो जनता जब मौका आती है आपके साथ खड़ी होती है, आपको आशीर्वाद देने, आपको स्नेह और आपको संबल देने के लिए मौजूद होती है। थैंक यू।